पाकिस्तान क्रिकेट में अलग अलग चेंजेस हो रही हैं, अलग अलग तब्दीलियां सामने आ रही हैं। सो एक खबर जो मेरे कानों तक पहुंची, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्या जूनियर टीम के कहीं हेड कोच बन रहे हैं? स्ट्रेट फॉरवर्डली मैं आपसे ये सवाल, आपको कहाँ से खबर पहुँची? कोयल? हाँ कोयल, मैं ना तो जब तक देखे कोई चीज़ ऑफिशियली नहीं आती बात करना सही नहीं है। हाँ। तो आप लोग फाख्ता और कोयल तो करते रहते हैं। हाँ। लेकिन हाँ। हम चाह रहे हैं जो भी चीज़ प्रॉपर हो जाए फिर बात करें, अच्छा भी लगता है। हाँ। मगर पता तो चलना चाहिए ना कि वेदर समथिंग इज इन प्रोग्रेस। आग लगी है तो धुआं उठता है, तो ये जब आग पूरी तरह लगेगी फिर ही कुछ होता है। ऐसा ना हो ना आग लगी है बस्ती वाला सीन हो जाए वो, अब क्या करें। लेकिन मेरी अपनी एक राय है, मैं पहले भी एक बार जब मिल के आया था उसमें मैंने ये कहा था कि जब तक पीसीबी की तरफ से कोई चीज़ ना आए ऑफिशियली, मैं उससे मेरी कोशिश होती मैं ना बात करूं। ठीक है, ठीक है। इसमें वैसे ये जब आएगी तो मैं जरूर ये अच्छी खुशी की बात है कि जो लड़के खेले उन्हें रिटायर रिसेंटली ये अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। अगर ऐसा हो जाता है जो आपकी खबर है, अल्लाह करे ऐसी खबर सच हो, अगर ये हो जाता है तो विल बी ए ग्रेट क्रिकेट फॉर पाकिस्तान, मतलब अंडर 19 के लड़कों के लिए, एज आपने कहा ग्रास रूट पे ये बिल्कुल जूनियर टीम के साथ, जूनियर टीम हेड कोच मोहम्मद यूसुफ। अच्छा अल्लाह करे ये हो जाए, अगर ऑफिशियल आ जाता है तो आई थिंक आई कोयल भी पूछने भैया नदी के तो ये बहुत अच्छी बात है। आई थिंक दिस अ गुड डिसीजन, और ये बहुत जरूरी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि ये अंडर 19 के लड़के अभी भी इनको याद रखा हुआ कि मोहम्मद यूसुफ कौन है, हफीज कौन है, ये सब इनको पता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड डिसीजन अगर ऐसा हो जाए तो। यस, बहुत बहुत ज़रूरी है अगर, और मगर फिर उसके बाद हम यूसुफ ये बिल्कुल एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें अंडर 19 से जो है वो लड़के मेन टीम में जाते हुए दिखे। पूरी कोशिश करेंगे और जो हमें आता है वो इंशाल्लाह हमें डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये दोनों तरफ की चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर आप गलत बता रहे हैं फिर तो और बात है, लेकिन अगर आप सही चीज़ बता रहे हैं तो प्लेयर्स का काम होता है उसको लेना, उसको सीखना। जैसे हम लोग खेलने आए थे, हम चीज़ें पूछ रहे होते थे, उस वक्त इतना कोचिंग का नहीं होता था सिस्टम, लेकिन जो सीनियर प्लेयर थे उनको मैं देखता भी था और मैं पूछता भी था कि यार ये मैं कैसे करूँ, वो भी मैं वैसे करने की कोशिश करता था। बट यूसुफ अब सिनेरियो चेंज हो गया, बिकॉज पहले जब आप बैटिंग कोच थे टीम पाकिस्तान के साथ तो आप कहते थे कि मैं हेड कोच को सजेशन दे सकता हूँ, बट नाउ दैट यू आर दी हेड कोच मैं अपनी मर्जी से यू आर द डिसीजन मेकर नाउ। मैं वही, अगर सुहेल तनवीर से कैसी आपकी बॉन्डिंग है, बिकॉज चीफ सिलेक्टर जूनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, इन दोनों का ऑन वन पेज होना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, देखिए मेरी जो चीज़ें होंगी अगर मैं उसको कन्विंस करूंगा तो वो मानेगा, और उसकी जो चीज़ें होंगी वो मुझे कन्विंस करेगा तो मानेगा। जो दोनों पाकिस्तान के लिए चीज़ें अच्छी होंगी हम दोनों को माननी चाहिए, और ये नहीं कि सिर्फ मैं और वो है, बाकी लोग भी बहुत हैं, बहुत सी मैनेजमेंट है, बहुत से लोग होंगे, हेड बॉलिंग कोच होगा, फील्डिंग कोच होगा, बैटिंग तो चलो मैं ही देख लूंगा, काफी लोग हैं, सब मिलजुल के चलेंगे। कैप्टन है जिसने टीम अंदर लड़वानी है और हमें इम्पावर करना है कैप्टन को भी, ताकि वो लर्न करे चीजें कि आगे उसने कल को खेलना है पाकिस्तान में तो वो कैसे, अगर उसको मौका मिलता है तो वो कैसे कप्तानी करे। तो हम ऑफिशियली यहाँ पे अनाउंस कर दें, नहीं ऑफिशियली तो मैं नहीं कुछ कह सकता। जूनियर टीम के हेड कोच अभी हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद यूसुफ साहब, बहुत जल्दी ब्रेकिंग न्यूज फॉर यू ऑल दैट द हेड कोच ऑफ जूनियर टीम पाकिस्तान की जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। सो यस, हम पूरे असर वसूख से ये कह सकते हैं, थोड़ी देर में आपको प्रेस रिलीज भी मिल जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इंशाल्लाह। एंड जो आपने बात की, देखें एक तो आई वुड से हैट्स ऑफ टू ज़का साहब स्मार्टनेस, वो इसलिए बिकॉज यस जब इतने सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स अलग अलग चैनल्स पर बैठ के वो पिन पॉइंट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, सो नाउ इज़ द टाइम दैट उन्होंने भी कहा आइए मैदान में एंड डिलीवर, बिकॉज इट इज़ ईजी सेट दैन डन, सो लेट्स डू इट टुगेदर, एंड जो सारी शिकायतें आपकी उसको पूरा करें। तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है फॉर्मर क्रिकेटर्स पे भी पाकिस्तान। आई थिंक बहुत अच्छा डिसीजन है ये कह रहे ना कि जिस तरह फीस आया है, हम प्रोसेस की बात कर रहे थे, शायद वो अभी उसने कोचिंग नहीं की या उसने इस प्रोसेस में नहीं, अभी तो रिटायर हुआ रिसेंटली, अभी भी लीगें खेल रहा था, और उसके बाद जो आपका भाव है वो भी अभी लीग खेल रहा था, तो वो प्रोसेस की, मगर उनकी एबिलिटी पे तो डाउट ही कोई नहीं है। अब यूसुफ 2-3 साल से एनसीए में लगा हुआ है, प्रोसेस के अंदर है, इस प्रोसेस के अंदर से जब ये टीम को टेक ओवर करेगा इंशाल्लाह अंडर 19 के लड़कों को बहुत फायदा होगा। बल्कि यूसुफ के साथ भी लड़के ऐसे आने चाहिए, बॉलिंग कोच कोई भी आए वो ऐसे लड़के होने चाहिए जो तो बेस्ट हों, जो एक एक फील्ड का बेस्ट बंदा होना चाहिए, ताकि जब हमारे अंडर 19 के लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। रिमेंबर वन थिंग, अंडर 19 से पाकिस्तान क्रिकेटर्स नहीं चाहिए होते, अंडर 19 से आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स तगड़े बनाने हैं, वहां से एक दो लड़के होते हैं जो फास्ट ट्रैक से आते हैं। आपने अंडर 19 की टीम को तगड़ा किया, आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम की तगड़ी की, आपने
ए टीम तगड़ी की, ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर से जब गुजरेंगे तो आप देखिएगा इंशाल्लाह इनका एक्सपीरियंस कितना है। दो बड़े असाइनमेंट्स आपके सामने आएंगे, अंडर 19 एशिया कप एंड द अंडर 19 वर्ल्ड कप। सो अंडर 19 के हेड कोच साहब प्लानिंग अभी से शुरू कर देखिए, वो तो अपनी जगह है। गेम हार जीत जीतने के लिए हर टीम खेलती है, लेकिन असल जो काम है ना हमारा नीचे का प्लेयर डेवलपमेंट है, वो बड़ी जरूरत। जीतना भी है लेकिन प्लेयर डेवलपमेंट पे ज्यादा जोर होना चाहिए, क्योंकि जब देखिए बैंक स्ट्रेंथ इंडिया की इसी ये बनी थी कि उन्होंने प्लेयर डेवलप किए थे। हमारी कोशिश ये होगी सबकी मिल के, मैं मेरी कोशिश है, मेरी नहीं हमारी सबकी, हम सबकी कोशिश ये होगी कि हम इस प्लेयर्स को डेवलप करें ताकि वो जब इंटरनेशनल लेवल पे आएँ तो उन्हें कोई मुश्किल ना हो। उसके लिए मैं उस टाइम भी मेरा जेन यही था, हम लोग आपस में उसको भी बात करते थे, हमें प्रैक्टिस पर्पस बेस करवानी है, कि ये नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिस कर रही, नहीं प्रैक्टिस पर्पस बेस होनी चाहिए, जो मैं भी करता रहूँ। मेरी कोशिश होगी कि हम मुश्किल प्रैक्टिस करवाएँ, उसमें हो सकता है कि मैं इन लड़कों को मैंने देखा नहीं हुआ, क्योंकि मैं अंडर 19 के साथ नहीं रहा पहले, ना मैंने देखा उनको लड़कों को, लेकिन जिस तरह वो कुछ लड़कों के नाम, एक लड़के को मैंने थोड़ा सा चेक किया हुआ है, अवैस है कोई लड़का जी, उस सियालकोट का लेफ्ट हैंड, उसको मैंने एक दो बार देखा हुआ उस टाइम बेहतर था, काफी बेहतर था, मुझे नहीं पता काफी देर होगी मैंने देखा नहीं है। बाकी लड़कों को मैं इतना देखा नहीं हुआ, सारे नए लड़के हैं, क्योंकि एक दो साल पहले जब हम थे वो सारे लड़के निकले, हसीबुल्ला देखा था हमने, वो कल आपने देखा होगा बिल्कुल, कुछ लड़के कुछ लड़के अभी नजर नहीं आ रहे, वो एक ही नजर आ रहा है मुझे तो, या एक लेक्स्टा वो जो चाइना में बोला अकरम कल नजर आ रहा है, इस तरह एक मोमेंट भी लड़का है, हाँ वो आप पता नहीं है, लेकिन अब ये नए लड़कों को मैंने बिल्कुल नहीं देखा हुआ। बिल्कुल सही, मुश्किल काम है लेकिन हम करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सब बात कर रहे हैं तो इस पे कोशिश भी करेंगे। ठीक है, और मैंने मेरी हमेशा मैं मुशी भाई से भी हम बात करते हैं कि जिसको फिर मौका पूरा मिलना चाहिए, जैसे अभी आप कह रही मुझे नहीं पता कि जी एशिया कप वर्ल्ड कप, आपको नहीं पता, नहीं एशिया कप और वर्ल्ड कप तो आप बता रही ना, वैसे अभी दो बड़े असाइनमेंट हैं, दैट इज अंडर 19 एशिया कप, मेरा अपना ज़ेन भी है, और मेरे ख्याल मुशी भाई को भी कोई चीज मिलेगी, किसी को भी मिलेगी, वो कहेंगे यार दो तीन साल तो दे ना आप, एक चीज दो 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 सीरीजों के बाद पता ही नहीं। स्पेशली यूसुफ पता क्या है, जो अंडर 19 लेवल है ना इसमें तो एक साल नहीं दो तीन साल चाहिए होते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट के साथ साथ आपने रिजल्ट्स भी लेने हैं, जैसे रेवेन्यू लगाया टाइम, तीन साल चाहिए होते हैं, ये तीन साल में दरख्त बन गए ये सारे। बिल्कुल, और ये अंडर 19 के जितने हैं ना, पाकिस्तान के पास बहुत टैलेंट है, इंशाल्लाह आप देखिएगा जो भी आएगा यूसुफ, इंशाल्लाह अगर मेहनत करेगा डेडिकेशन के साथ जो अभी ऑलरेडी कर रहा है, इंशाल्लाह इसका एक्सपीरियंस जो इसने क्रिकेट सीखी हुई है की हुई है, ये इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि अंडर 19 से दो तीन साल लगेंगे। ये हम गलत बात करेंगे कि जाते रिजल्ट दे देगा यूसुफ, अल्लाह करे हम एशिया कप भी जीते वर्ल्ड कप भी जीते, और जीतेंगे हम, हमारा बिलीव इस पे होना चाहिए, जैसे यूसुफ ने कहा ना कि हम जीतने के लिए जाएंगे, मगर साथ साथ डेवलपमेंट के ऊपर, जैसे इंडिया वेस्ट इंडीज में जाके ए टीम लेके गई और हार के आई, मगर एशिया कप और वर्ल्ड कप के ऑलमोस्ट जीते बैठी है, वो प्रोसेस के अंदर से गुजरेंगे। और आई एम कमिंग बैक टू माय स्टेटमेंट अगेन, अंडर 19 से आपने खेप तैयार करनी होती है फर्स्ट क्लास, और ए टीम के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए नहीं करनी, क्योंकि यहाँ से जब आपके लड़के तगड़े होके निकलेंगे यूसुफ के अंदर से और इसकी टीम के अंदर से, जब ये तगड़े होके निकलेंगे, जब इनको स्कोर करने का तरीका आ जाएगा, क्रिकेट खेलने का तरीका आ जाएगा, डिसिप्लिन का तरीका, ये फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाएंगे, ये फर्स्ट क्लास के रोल मॉडल बनेंगे कि हाउ टू स्कोर रन, हाउ टू गेट विकेट्स, फिर जब ये फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस करेंगे ये ए टीम में आएंगे, ए टीम से आके फिर क्या कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। ये ऐसा प्रोसेस है जो तीन साल के अंदर जब कोई लड़का जाके ठोक बजा के पाकिस्तान खेलेगा तो फिर इंशाल्लाह 15 साल से एशिया कप है वर्ल्ड कप है जिनका जिक्र किया भी, तो इसके साथ साथ हमारे और भी टूर्स अरेंज होने चाहिए हमारी छोटी टीम। वो मैं लास्ट टाइम जब मिला था उस वक्त भी जका साहब से मैंने कहा था कि हमारे टूर होते हैं लेकिन श्रीलंका बांग्लादेश जिम्बाब्वे सेना कंडीशंस में नहीं जाते हैं, हमें जैसे समर आता तो इंग्लैंड जाना चाहिए, हमारी ए टीम भी मुझे वो मेरा ख्याल वो कह रहे हफीज से जो बात चल रही थी वो यही थी कि ए टीम भी लेनी चाहिए आपको, हमें इंग्लैंड में खेलना चाहिए समर में, को बाद में अगर टाइम मिलता है तो हमें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इन दो जगहों पे भी जरूर जाना चाहिए। साउथ अफ्रीका भी मुझे लग रहा है खुद स्ट्रगल कर रही है, मुझे वो कोई इतना मज़ा नहीं आ रहा उधर का, उनकी विकटें मैं देख रहा हूँ वो मज़े की नहीं, लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इंग्लैंड जाना चाहिए। ये सब कथा कलामी का माफी क्योंकि वक्त कम है, मैं एक चीज़ जरूर यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द कंप्लीट सिस्टम पे कोई बात हुई, कोई डिस्कशन हुई, बिकॉज अंडर 19 से आप तो लड़का तैयार करके देते हैं, वो फर्स्ट क्लास में कहीं खो जाए गायब हो जाए और नेशनल टीम तक आते आते उसका पता ही नहीं चलता, हमारे सिस्टम में ये होता है नहीं, हम सब ने इसको फॉलो करना, लेकिन मैं कह रहा हूँ हम सब
मैं नहीं कर सकता, सप्लाई चेन बनानी है, मैं नहीं कर सकता, हम सब सिस्टम को सही करना पड़ेगा। और जिस तरह हफीज आया, हफीज का हो सकता है कि कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो बिजनेस करता है, वो मैं जो जिसको कहते हैं मैनेजमेंट, वो बेहतर कर सकता है। थिंकर बहुत अच्छे हैं, जैसे रमीज भाई है, शुएब अख्तर है, लाला है, लाला जैसे ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, इस तरह के लोग आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो वो ये इसके साथ मिलके और सारे जो भी लड़के यहाँ होंगे, मुशी भाई हैं, सकलैन है, जो भी हमारे प्लेयर हैं, हम सब ने मिलके करना, ही किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। बस अकोमोडेटिंग टू द सजेशंस होना चाहिए, हफीज को जो है ना कि सजेशंस को अडॉप्ट जरूर करना चाहिए अच्छे तरीके से हमें ये सारी चीज, क्योंकि क्रिकेट बहुत नीचे चली गई। अगर आज हम सब मिलके इस पे सोचा नहीं, इस पे सही सिमत नहीं ली, देखो मैंने कराची जाना है लेकिन मेरा रुख पेशावर की तरफ है, तो मैं कभी भी कराची नहीं पहुंच सकता, हमें रुख सही लेना है। बिल्कुल जी, तो हमें रुख सही लेना है, द डायरेक्शन शुड बी, ऐसा नहीं है कि कोई हार्डवर्क नहीं करता, करते हैं हार्डवर्क, मगर शायद डायरेक्शन जो है वो प्रॉपर सिम्त में नहीं होती है, तो डायरेक्शन को जो है वो सही करना ज़रूरी है। बट यस, यहाँ पे वक्त ख़त्म हो गया है, जाते जाते एक दफ़ा फिर आप लोगों को अनाउंस करते चले दैट वी हैव विद अस द जूनियर पाकिस्तान टीम हेड कोच सिटिंग विद अस मोहम्मद यूसुफ। सो यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारी पूरी टीम की तरफ, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए तो वो सही है, मगर वो कहते हैं ना कि फैमिली तो पहले ही कॉन्ग्रेचुलेट कर देती है, दुनिया को बाद में पता चलता है।